BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं इस समय सीमांचल के एक बड़े शहर कटिहार में हूँ और ये शहीद चौक है। कटिहार की हृदय स्थली से कहा जाता है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो शहीद चौक का दृश्य दिखाए। ये शहर का बहुत ही व्यस्त चौराहा है, शहर की हृदय स्थली है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक बैनर लगा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो जूम करके दिखाए। यहाँ सामने मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान के लोकप्रिय सांसद, जिनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में, पूरे देश में है। नव वर्ष के अवसर पर यह शुभकामना संदेश है साहेब समर्थक मंच की तरफ से। तो सीमांचल का ज़िला कटिहार और सीमांचल की जो पूरी आबादी है, ये अकलियतों का बड़ा वोट बैंक है। और यहाँ जो अकलियतों का की आबादी है वो निर्णायक बहुमत में है, किसी को भी सदन में अपने दम पर भेजने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ के अकलियत नाराज़ हैं। लंबे समय से सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम सेकुलर पार्टियों को यहाँ के लोग एकमुश्त वोट देते रहे, लेकिन अकलियत समुदाय के भीतर नाराज़गी है और अकलियत समुदाय विकल्प की तलाश में है, थर्ड फ्रंट की तलाश में है। सेकुलर दलों से हताश है, उनके रवैये से। माइनॉरिटी समुदाय के एक युवा है हमारे साथ बात करने के लिए, महबूब आलम, बात करेंगे। सर, क्या नाराज़गी है मुस्लिम समुदाय की? थोड़ा जोर से बोलिए। सेकुलर दल है, सभी ने मुसलमान और सभी को कामयाब, लेकिन सेकुलर दल है, सभी ने मुसलमान समाज में वो थर्ड फ्रंट की तलाश में, किसी तीसरे मोर्चे की तलाश में। जी सर, तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेकुलर लोगों ने सेकुलर के नाम पर मुसलमानों अकलियतों का वोट लेकर के मुसलमानों को दलितों को ठगा। मतलब पूरे समाज में ये लगता है कि यूथ एंड प्रो चुनाव के समय मुसलमानों को पूछा जाता है, उनको प्यारा दुलारा जाता है, दुलारा पुचकारा जाता है, फिर उनको एक किनारे रख दिया है। ये जो रवैया है जातिगत जनगणना के बाद, जो 18% मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में है, तो ये जातिगत जनगणना का भी असर है। तो मुसलमानों ने अपनी ताकत को पहचाना है और वो एक नए नेतृत्व निकला। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हम अपने मोर्चे की तरफ से अच्छा, यहाँ बैनर लगा है राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, मुसलमानों के नायक समझे जाने वाले डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन। उधर किनार किया जा रहा है, चाह रहे हैं कि उसको छठ लाया जाए, फ्रंट पे लाया जाए। ये जो बैनर है कहीं ना कहीं इस तरह का है कि बिना साहब यहाँ आए, सीमांचल के दौरे पे आए और अपनी वीजा खींच के। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं बिना साहब आए, जहाँ तक होगा हम पूरा समाज नाम बताएंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने सुना कि बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा युवा अखिलेश समाज के युवा चेहरे महबूब आलम ने, साफ तौर से कहा कि तमाम सेकुलर दलों के छल से मुस्लिम समाज आहत है और
तरह से डॉक्टर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पूरे बिहार के मुसलमानों में विचारिता है, तो कहीं ना कहीं बिना साहब में और उनके पुत्र ओसामा साहब को तीसरे मोर्चे की तरफ जो ये कदम है, जो अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा में मिथिलांचल में बिना साहब का दौरा हुआ था और वहाँ भरपूर समर्थन उनको मिला था, तो सीमांचल का जो तबका है, सीमांचल के मुसलमानों का जो तबका है, वो भी चाहता है कि हिना साहब सीमांचल के दौरे पे आए और यहाँ की जो अकलियत है उनको नेतृत्व प्रदान करें। तो कहीं ना कहीं सेक्युलर दलों के छल से मुस्लिम समाज आहत है और अपनी लीडरशिप चाहता है। और आप, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैनर आप देख रहे हैं पूरे कटिहार के हर एक चौक चौराहों पर यहाँ के नौजवानों ने, साहेब समर्थक साहेब के फैंस ने यहाँ पर लगाए हैं, तो आने वाले समय में ये बड़ी बेदारी है, बड़ी खतरे की घंटी है मुख्य धारा के तथाकथित सेकुलर दलों के लिए। न्यूज़ इंडिया तक के लिए कटिहार से मैं इनामुल हक, कैमरे पे थी मेरी वरिष्ठ सहयोगी सेवा इनाम, बहुत धन्यवाद।